Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम लोग करने जा रहे हैं वन शॉट आपकी क्वेश्चन बैंक सीरीज के। तो गाइज ये सभी के लिए होने वाला है, जो लोग भी महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी। बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे कि सर वन शॉट अगर आपने पूरे लेक्चर्स डाल दिए तो वो भी डाल दिए, तो डेफिनेटली मैं उसको भी डालूंगा। तो गाइज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जनरली ये पीपीटीज और ये सब बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। और एक चीज और बोलूंगा कि इसमें थोड़े मिस्टेक्स है गाइज, इसको लेके थोड़े से जो पीडीएफ है उसमें भी थोड़ी गलतियां, प्लस आंसर्स जो है आपके ना वो बुक में नहीं है, मतलब जैसे कि आप लोग पाओगे क्वेश्चन आंसर में नहीं है। तो जो भी ना आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन में जाके आप लोग देख लेना, अपना समय बचाना, आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग कमेंट्स देख रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, इसलिए आप लोग के कमेंट्स देख रहा हूँ। तो जो भी डाउट्स हो आके पूछ लीजिए। तो स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रीम को बहुत जल्दी, और आप लोग अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक कर देना गाइज, जितना लाइक होगा उतना बच्चों का भला होगा, क्योंकि ये स्ट्रीम ऊपर आएगी, ठीक है। तो गाइज रोहित, हाय रोहित, गुड आफ्टरनून, हाय अमन, हाय अमन, मोहित जी जी, यार ट्वेल्थ का भी मैं काम कर रहा हूँ उसको भी डालते जाऊंगा, जी 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 जी। तो गाइज आप लोग लाइक करते रहना, सिर्फ आप लोग का यही चाहिए, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर बेस है वो काफी लॉयल है, ठीक है बच्चों। चलो फिर स्टार्ट कर देता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं एक चीज बताऊंगा आप लोग को कि क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना है, एक सेकेंड। चलिए अब तो जैसा कि आप लोग स्ट्रीम अपने देख रहे हैं कि गाइज ये वन शॉट सीरीज होने वाली, तो इसमें मैं अलग अलग करके नहीं करूंगा, आप लोग को सीधा बता दूंगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ मोहित, पक्का पक्का बनाऊंगा जी। अमन अमन जी हाय हाय, पक्का बनाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जितने वीडियो हो सकते हैं, मैंने अगर आप लोग का कोर्स शुरू किया तो मैं ही बनाऊंगा उसको। तो 10th और 12th दोनों की जितने भी क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन होंगे मैं डालते जाऊंगा, सिर्फ आप लोग शेयर करते रहना। चलो ये रिक्वेस्ट है क्योंकि छोटू से चैनल ना हम लोग, तो इसलिए बोल रहा था गाइस, ठीक है। हाय पूनम, हाय हाय हाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूनम जी, अभी डिसाइड नहीं है कि कॉलेज वाले एग्जाम लेंगे कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ आया नहीं इसलिए मैं 11th वालों को कुछ दे नहीं रहा, अदरवाइज मैं जरूर दे देता आप लोग को, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अभी। अगर इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज डिस्कस कर देता हूं कि देखिए ट्रू एंड फॉल्स कुछ चीजें ना बुक के अंदर से दी गई है, जी हाँ आप पाओगे कि बहुत सारी चीजें ना बुक के अंदर से दी गई है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन और एक्सरसाइज के जो रहते हैं ना वहां से नहीं दिया गया है। और अगर आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने वन शॉट सीरीज उसके 6.5 घंटे की ऑलरेडी बना के रखी है वन गो में, तो आप अपना 6-7 घंटा देके अगर अपने मार्क्स ला सकते हो तो उसे जरूर पढ़ना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो हमने अपने जो बच्चे कम मार्क्स ला रहे थे उनको भी पास करा के अच्छे परसेंट मिल गए, तो गाइस डेफिनेटली आप लोग को हेल्प जरूर मिलेगा, वो देख लेना। और इसके अलावा ये बुक में गाइस पीडीएफ जो गवर्नमेंट ने हम लोग को ये दी ना उसमें क्या लिखा है कि जरूरी नहीं कि इसमें से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो गाइस वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन जैसे कंपैरिजन है ट्रू और फॉल्स है उसी फॉर्मेट में, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में आएंगे, हाँ लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपना पोपट नहीं काटना चाहेगी ना दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक दे दिया और कुछ मुझे क्वेश्चन ही नहीं आया तो स्टूडेंट के साथ ये एक बोलते ना विश्वासघात हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट क्वेश्चन जरूर डालेगी। तो उसमें डाउट मत रखिए कि आप लोग सोच रहे कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं, हाँ लेकिन वही फॉर्मेट में उसी टाइप में आएगा उसको लेके थोड़ा सा डाउट है। आ गया तो आप लोग के वारे नारे अखिले से गोली मारे, एग्जाम में छाप देना एकदम रट्टा मार लो, इस सब सारी चीजों को, एक महीना बचा है एकदम छा जाओ पढ़ लो एकदम, आप लोग अच्छे मार्क्स ला जाओगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है इसमें का जो हमारा है ना वो इस तरह से, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो गाइस इसमें मैंने आंसर दे दिया, आप लोग को ये मिल भी जाएगा, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लो इसको। तो अमेजॉन बेसिन इज मेनली, ये तो बुक में से ही क्वेश्चन है, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, तो अमेजॉन के आजू बाजू में गाइस पूरे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, और कौन सा फॉरेस्ट है, एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा डेंस है। और वन ऑफ द पर्पस नॉट यूजफुल, वन ऑफ द थिंग नॉट यूजफुल फॉर द फील्ड विजिट, तो गाइस नोटबुक कैमरा मैप की तो जरूरत होती है, रेंजिंग रॉक की क्या जरूरत है, किसको मारना है हम लोग को वहां पर, कुछ जरूरत नहीं है। और कहां पर हम लोग को बहुत सारी चीजों का पिक्चर वो सब नहीं, तो नहीं रेंजिंग रॉड नहीं चाहिए। अब इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, और इसमें से क्या आएगा इस टर्शरी सर्विस सेक्टर पे, कौन सी सर्विस वहां पे बहुत अच्छी है, जो आप लोग का लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर वो है हमारा टूरिज्म, टूरिज्म से बहुत पैसा कमाता है वो। इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ द इंडिया फॉरेस्ट आर फाउंड, हमारे नॉर्थ का पूछ रहा है, तो अगर इंडिया का मैप इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर दें तो हमारे ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है,
अब ये नॉर्थ को लेके एक रहता है कि अगर इंडिया के मेन लाइन में पूछ रहा है, हमारे यूपी बिहार का पूछ रहा है, तो वहां पे तो डेसिडुअस है, लेकिन नॉर्थ मोस्ट बोल दिया गाइस, नॉर्थ मोस्ट। तो नॉर्थ मोस्ट में भाई यहाँ पे हिमालय ही है, और हिमालय में हिमालयन फॉरेस्ट मिलता है हमको। सिंपल से ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में सोचोगे कि हम लोग डेसिडुअस मार्क कर देते हैं। प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है, मैंने देखा अगर बच्चों लोग कहां पे गलती करते हैं, घाई में आप लोग का हो जाए कि डेसिडुअस फॉरेस्ट बताया था टीचर, नहीं नॉर्थ मोस्ट बोला है, ये वर्ड पढ़िए ठीक है। प्लेन्स में जैसे नदन प्लेन में नॉर्थ इंडियन प्लेन आप लोग बोलते हो ना, या गंगा प्लेन बोलते हो, वहां पे कौन सा मिलेगा? हाँ तो वहां पे नो डाउट डेसिडुअस। और एक चीज गाइस, पेपर इजी सब लोग बोल रहे, सब लोग जैसे एनालाइज कर रहे पेपर इजी रखेंगे, क्योंकि इस टाइम साइकोलॉजिकल प्रेशर है बच्चों पे ना, तो गवर्नमेंट हेल्प करना चाह रही है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से पेपर टफ नहीं करेगी, प्लस टफ चेकिंग नहीं होगी, इसमें टफ चेकिंग भी नहीं होने वाली है, ग्रेस मार्क अच्छे खासे मिल जाएंगे आप लोग को। लेकिन आप लोग अपने साइड से प्रिपेयर करके जाइए, अगर समझिए 35 मार्क्स पासिंग है और आप लोग सिर्फ अगर 15 पे अटके तो 20 मार्क का ग्रेस मार्क गवर्नमेंट नहीं देने वाली, तो वो बच्चों को रह जाएगा। तो इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पढ़ लो अच्छे से, रट्टा मार के चले जाओ आंसर्स को। ब्राजील इज फेमस फॉर सांबा डांस। इंडिया रैंक्स पॉपुलेशन वाइज पूछ रहा है गाइस, पॉपुलेशन वाइज ध्यान रखना है, सेकेंड रैंक होता है पूरे वर्ल्ड में, पहला कौन है? चाइना। पहला कौन है? हमारा चाइना गाइस। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते गए, अमेजॉन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ। नियर इट्स माउथ मतलब जैसे कि देखिए वो जो शायद से शुरू होता है ना ब्राजील में, ये ब्राजील का मैप कुछ इस तरह से, तो जब वो यहां से शुरू होता है माउथ, जब समुद्र के नजदीक अटलांटिक ओशन, यहां पे तो अटलांटिक ओशन में इसका माउथ है, और ये यहां पे गाइस क्या है, डेल्टा नहीं बनाता ये, क्यों? क्योंकि भाई दो चीज की वजह से, मतलब बहुत सारे रीजन, लेकिन तो पोर्स वाटर का बहुत ज्यादा है, दूसरा स्लोप है, और तीसरी चीज अमाउंट ऑफ ह्यूज वाटर, बहुत ज्यादा पानी है उसके पास, तो इतने फोर्स से आता है कि डेल्टा बनाता ही नहीं है, नहीं बनाता डेल्टा, ठीक है सुन लो डेल्टा। इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे, अब स्पार्स जो स्पार्स है गाइस वो तो हर जगह अपने को जैसे माउंटेन में नहीं मिलता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता, ऐसी जगहों पर नहीं मिलता, लेकिन आप पाओगे कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान में डेजर्ट है, थार डेजर्ट, और वहां पे इतना रेल नहीं है, लोग भी नहीं, और रेलवे बना के फायदा भी नहीं है। टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका दैट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद दी ब्राजील, इजी है, चिली इक्वाडोर, चिली है ठीक है। बोथ द कंट्रीज हैव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट है क्या? नहीं, कम्युनिस्ट भी नहीं है, प्रेसिडेंशियल, ये प्रेसिडेंट उसके पास है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल करता है ब्राजील में, लेकिन इंडिया में नहीं है, तो वहां पे कौन सा हम लोग का? रिपब्लिक है। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है गाइस। अच्छा मेन लाइन इंडिया का पूछे तो मेन लाइन इंडिया, जैसे कि इंडिया के मैप में इस तरह से जो नीचे का पेनिनसुला का पार्ट है, तो यहाँ पे अपना जो सबसे रामेश्वरम है, और रामेश्वरम नहीं दिया रहेगा तो कन्याकुमारी, लेकिन इसने क्या बोला है हमारे इंडिया का, तो हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार भी तो है, और अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट। रेन फॉरेस्ट ब्राजील, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई पूरे वर्ल्ड के लंग्स हैं, हवा जो दे देते हैं ऑक्सीजन, इतना सारा, इतना एवरग्रीन फॉरेस्ट है गाइस, वो नहीं देंगे तो कौन देगा। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया दोनों कैसी है? डेवलपिंग है। ब्राजील को सब लोग सोचते हैं कि एकदम मस्त कपड़ा पहन रहे, लोग अच्छे दिख रहे होंगे, तो उसका डेवलप्ड कंट्री है शायद से, नहीं गाइस वो भी डेवलपिंग ही है, वो भी डेवलपिंग ही है, ध्यान रखना प्लीज, याद रख लीजिए, मार्क्स आ जाएंगे, कैसे आप लोगों को बताऊं, मैं सिर्फ भरोसा दिलाना चाहता हूं गाइस, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाए, इस बार मार्क्स अच्छे मिलेंगे आप लोग को, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना, एग्जाम में डरना मत, कोई टाइप का प्रेशर मत रखना, बहुत अच्छे बच्चे आउट ऑफ आउट भी स्कोर करने वाले हैं इस बार, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे वाले बच्चे तो हर जगह पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा टेंशन लेता हूं उन बच्चों का जो बॉर्डर पे 35 के अराउंड, इसलिए देखिए स्टार्टिंग में मैं उन्हीं का कंसर्न बता रहा हूं। नंबर ऑफ फीमेल्स डॉट डॉट मेल्स इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो, तो ये सेक्स रेशियो का डेफिनेशन भी आप लोग ले सकते हो, पर 1000 1000 मेल पे कितनी वुमेन है, तो इंडिया में ये नियरली 942 सेंसस डेटा से है, लेकिन फिर भी ये बढ़ गया गाइस, ये अच्छा इंप्रूव हो गया इंडिया का, अभी 2021 में सेंसस होगा, तो उसके बाद अपने को पता चलेगा कि देखो ये साल गाइस सेंसस का ईयर है, सेंसस होना चाहिए, तो पता अभी गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इस सेक्स रेशियो का डेफिनेशन भी याद रख लो यहां से। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड, कौन कौन सा? ब्राजीलियन एंड गुआना हाईलैंड,
लाइक इंडिया ब्राजील ऑल्सो हैज एंशियंट प्लेटोस, पुराने जमाने के प्लेटोस, राइट, क्या बोलते उसको, रावट, एंशियंट प्लेटोस उसके पास, कौन से, ये हाईलैंड को तो प्लेटोस बोलते हैं। अमेज़न बेसिन इज मेनली ड्रॉट प्रोन, ड्रॉट उधर सूखा या कभी नहीं, स्वैम्पी ना, पंटानल रीजन अपना स्वैम्पी है, यहाँ पे भी है लेकिन उतना नहीं जितना पंटानल, इतना बोलते, ये ज्यादा इसमें ऑप्शन सूट हो रहा है, अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, मॉस्किटो जितने इंसेक्ट इतने भाई, एनाकोंडा एनाकोंडा और ये सब जैसे रहते हैं, प्लस साफ ही रहेंगे, काट लेंगे तो कौन रहेगा उधर, नहीं तो भाई रिसोर्स बहुत है, देखो रिसोर्स बहुत ज्यादा है, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो वो लोग की कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ये आएगा भी एग्जाम में, गो वेस्ट, गो वेस्ट मतलब लोगों को बोल रहा है जाओ अमेजोन में जाओ रहो, अपना घर बनाओ, बंगला बनाओ, दुनिया के मजे लो। लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड, कोरल पॉलिप से बना हुआ है, एट द फुट फुटहिल्स ऑफ अरावली, फुटहिल्स मतलब क्या, देखो गाइस ये अगर माउंटेन या हिल है तो ये वाला जो जोन होता है ये, इसको फुटहिल बोलते हैं, तो उसका फुट वहां पे कौन सा प्लेटू है, मेवाड़ प्लेटू, ध्यान रखिए कंफ्यूज किस में होंगे आप लोग, मालवा और मेवाड़ में, तो मेवाड़ प्लेटू करेक्ट आंसर है, मेवाड़ आइसक्रीम खाते हो ना, कौन बना रहा है, मारवाड़ी लोग ही बनाते हैं, तो ध्यान रखिए ना, अरावली कहाँ पे है, राजस्थान में, पता है कि नहीं भाई, इतना भी मत करो, राजस्थान में, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते बच्चों, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स, देखो प्रॉक्सिमिटी टू कोस्ट भी मैटर करता है, प्लेन्स भी मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट पूछा है ना अपने को, मेजर फैक्टर पूछा है, पानी है कि नहीं भैया, वॉटर, जैसे हिसाब से पानी यूज हो रहा है भाई, अपने को बिस्लरी खरीदना पड़ेगा फ्यूचर में, दिल्ली में तो शुरू भी कर दिए, जब हम लोग दिल्ली में थे तो भाई 60 रुपए का सिर्फ हम लोग को पानी आता था एक डब्बा, तो भाई दिन के हम लोग को 2 लग जाते थे क्योंकि हम लोग ग्रुप पे रहते थे, तो इतना महंगा हो गया, उधर पानी का भी देना पड़ता है। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स मतलब बिखर के, कोई एक इधर रह रहा है तो कोई एक इधर रह रहा है, कोई बहुत लंबे लंबे मतलब दूर दूर रह रहे, तो कहां पे रहेंगे, रिवर के पास, रिवर के पास तो न्यूक्लिएटेड रहता है, जमा होके रहते हैं, ट्रांसपोर्ट रूट के पास भी भाई, उधर से हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, पार्टी शार्टी करने को जा सकते हैं, तो वहां पे तो बहुत रहेंगे, हिली एरियाज में नहीं रहते भाई, क्योंकि वहां पे रेलवे नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, इसलिए उसलिए दूर जहां पे बहुत अच्छा पानी नहीं सब जगह, उधर ही सिर्फ पाए जाएंगे, तो स्पार्स। कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, देखिए वाटर बोलता तो हम लोग लिख देते, लेकिन वाटर बोला है क्या बच्चों, मन के सच्चो नहीं बोला है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो देखिए ये ब्राजील बना रहा भाई, रफ डायग्राम बनाता हूं, बच्चे लोग को भी ऐसे ही बनाया था मैं, ये उसका नॉर्थ, ये उसका ईस्ट, ये उसका वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ये वाला डायरेक्शन में क्या रहता है, अभी यहाँ पे देखो अमेजोन नदी गुफा गुप करके आने वाली है बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्स रहेगा। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन ब्राजील इज पारा, याद कर लीजिए, ये बेचारा आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो पारा, रियल में देखने जाओगे ना गाइस, इसको ना चेक करना, क्योंकि क्या वो लोग की गवर्नमेंट कोई और बताती, लेकिन अपन पारा लिख देंगे, ठीक है, जैसे उनका भी सेंसस होता रहता है ना, तो उनके सेंसस के हिसाब से भी वो लोग पता करते रहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, अभी देखो द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट इन ब्राजील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, मतलब ऐसा जाना है मैप में, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में जाएंगे, तो पहले क्या आएगा, गुयाना हाईलैंड अमेजोन रिवर बेसिन, उसके बीच में दबा के कौन बैठा है, रिवर अमेजोन बैठा और एंड में ब्राजील है, तो मतलब कैसा आता है इसमें, देखो इधर गुयाना हाईलैंड, इधर ब्राजील और बीच में से अमेजोन नदी निकल रही है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है बनता है। चलो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना, देखते हैं, अभी तो अपलोड होने के बाद ही बोलते ना हम लोग प्रोसेस कर रहे, रिजल्ट आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग शेयर करते हो कि नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन, दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग, तो जरूका जिंगू अरागुआ, जरूका सुजुका मत बोलना भाई, कोई जरूका याद रखो, ठीक है, जिंगू और जिंगू भी मत बोल देना और अरागुआ, ये पहला ऑप्शन सही है। अब गाइस इसमें ऐसा मत पढ़ के चले जाना, ए आंसर इसका सही है फिर उसका ए सही है, ये सब गलती मत करना भाई, फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही बी है बाकी सब ए, हमारे पास ऐसे स्मार्ट बच्चे थे ना, दो तीन थे जो 9th ड्रॉप आउट थे, तो वो लोग क्या करते थे कि ये प्राइवेट भर रहे थे,
तो ऐसे तीन बच्चे थे, तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे ऑप्शन याद करते थे, तो बोला अरे यार ये तो दुनिया से परे निकल गए लोग। तो ऐसा नहीं करने का, स्मार्ट बच्चा लोग, स्मार्ट काम करते हो आप लोग, लेकिन उतना स्मार्ट नहीं करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, फाइंड द ऑड मैन आउट करने को बोलेगा, तो समझो ये तीन लिख के दिया और एक ना अपना लिख देते हैं कि नॉट नहीं अमेजोन लिख देते हैं, तो अमेजोन क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो भाई ये सब देखो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, तो तुमको ऐसे ऑड मैन भी पता करना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे बच्चा कि सर आप तो परेशान कर रहे हो, भैया क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, द ऑर्डर ऑफ प्लेटूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देखो गाइस ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर जो इसमें से ना एक भी नहीं है, यही बोल रहा था, देखो इसमें गलतियां की है, इसको होना चाहिए साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ है ये बुक का क्वेश्चन है डायरेक्टली, इसलिए गाइस में मेहनत लगा, मैं ये पीपीटी बनाने में को 2 दिन लग गए पूरे, और इसके वजह से हमारे लेक्चर्स भी डिले हो गए, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये साउथ टू नॉर्थ जाएगा, साउथ में पहले कर्नाटक आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बुंदेलखंड यूपी मध्य प्रदेश के बीच में, तो ये है ठीक है। चलो रिलेशन एंड कंप्लीट दी चेन, तो गाइस मैंने आंसर ही लिख दिया, सांबा डांस है ब्राजील का है, क्रिकेट क्या है पॉपुलर गेम है इंडिया का, पोजिशन ऑफ लैटिट्यूड पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं अपने को फंसाने के लिए कैप्रिकॉन लिखते हैं गाइस, कैप्रिकॉन, तो अगर आप लोग को वर्ल्ड याद होती है, देखिए इक्वेटर होता है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो साउथ में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे कौन पास होता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, लियोनार्डो द विंसी, चलिए सो ये कैप्रिकॉन साउथ में, ये किधर गया भाई, ये हमारा पास होता है गाइस ब्राजील से, ब्राजील ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ब्राजील से, लेकिन इंडिया हमारा इधर बैठा है, इधर देखिए 23.5 ये नॉर्थ में जा रहा है, तो इंडिया के बीच, अरे नहीं ये तो इंडिया ऐसा हो गया, इंडिया के हार्ट में से जाता है, बीच में से मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान को भी टच करता है, गुजरात को टच करता है, तो ऐसे होता है। चलिए डायरेक्शन, अभी देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ में कौन है, ब्राजील के फ्रेंच गुयाना, ठीक है, अब इसके बाद ओशियन कौन सा नजदीक लगता है उसके, नॉर्थ अटलांटिक ही लगेगा ना, हमारे ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश, गाइस इतना टफ क्वेश्चन है ना ये, एग्जाम में सबके हक्के बक्के छूट जाएंगे, जी हाँ ध्यान से, बे ऑफ बंगाल में, हमारे ईस्ट में क्या, इंडिया के, अभी इधर लिखा नहीं है कोई भी कंट्री का नाम नहीं लिखा है, अपने को सिर्फ समझना है कि कौन सी कंट्री की बात कर रहा है, देखो अभी और ये सब ना गाइस गुंदेड़न दिलाय, गुंदेड़न दिलाय म्हणजे काय, इथे तिथे दिलाय, कुछ नहीं लिंक होगा, तो इसको समझ लो साउथ में इंडिया का श्रीलंका है और हमारा इंडियन ओशन भी है, वेस्ट में हमारे पाकिस्तान है, अपने को इंडिया को पुक करते रहता है हमेशा, पुक करते रहता है, इसलिए वहां पे अरेबियन सी भी है, मुंबई के बाजू में क्या देखते हो आप लोग बैठ के, मरीन लाइन पे अरेबियन सी देखते हो आप लोग, पता है कि नहीं पता है कमेंट करके बताओ। चलिए अभी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कोस्ट पे कोस्टल एवरग्रीन फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और थॉर्नियन शब, थॉर्नियन मतलब कांटेदार, तो कोस्ट में सुंदरी मिलता है, सुंदरी ठीक है, और या मैंग्रोव बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सॉफ्ट होता है, ड्यूरेबल बहुत दिन तक चलता है, और इसके भाई गर्मी बहुत रहती है ना, तो गर्मी में उसका पानी झाड़ का निकल जाता है, तो कैसे बचाता है, ऑयल की एक लेयर निकाल देता है, और उससे ट्रांसपिरेशन जो वर्ड है रियल बताऊं तो वो बच जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम क्या है उधर, महोगनी, महोगनी की लकड़ी का आप लोग बनाओगे ना दरवाजा विरवाजा या फिर हमारा, तो भाई बहुत साल चलेगा, मस्त चलता है ये। ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन लीव्स मतलब अगर डेसिडियस के ऐसे पत्ते रहते हैं, ये कंपैरेटिवली ऐसे पत्ते रहते हैं इसके बड़े बड़े, क्यों भाई, क्योंकि कंपटीशन कर रहे हैं ना सनलाइट के लिए लोग। डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल है साल, ताक, नीम, सब ये सब है, ताक बोला ना, टीक, टीक, टीक को गाइस ये लोग क्या करते हैं इंडिया में ना, टीक का एक दूसरा एक दूसरा झाड़ है, उसको सैंडलवुड की लकड़ी जैसा दिखता है वो, और उसका स्मेल भी थोड़ा थोड़ा ऐसा आता है, तो लोगों को ना चूना लगाते हैं, अपन लोग बोलते हैं कि सैंडलवुड की लकड़ी चाहिए, तो ये असम वाले और यहाँ पे ना बहुत हो रहा है, सैंडलवुड का रेट लगाते हैं, बेचते ठीक है। तो ट्रीज शेड देयर लीव्स, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक चीज क्या होता है, साल में एक बार तो अपना पत्ता छोड़ ही देता है, एवरग्रीन भी छोड़ता है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं कभी शेड नहीं करता, रियल में करता है, अंदर जाके देखेंगे ऐसा महीना बैठा रहेगा ना तो एक पत्ता गिरा देगा, लेकिन भाई पता नहीं चलता लंबे से सैटेलाइट से। थॉर्नियन शब इसका एग्जाम्पल रखा है, शॉर्ट लीव, शॉर्ट मतलब छोटे छोटे रहते हैं, फटफट सिंह के पत्ते जल्दी जल्दी नहीं आते, ठीक है। अब
आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर। देखिए फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ब्राजील, तो भैया उधर हिमालयन फॉरेस्ट कैसा मिल जाएगा? ये किधर मिलता है? थॉर्नियन बुशी, काटिंगा रीजन मालूम है? आटिंगा माटिंगा चावल चटिंगा काटिंगा जोन है एक, जैसे पंटानल जोन है ऐसे एक काटिंगा जोन है ब्राजील के मैप में। ऐसा जाओगे ना तो इधर एक काटिंगा जोन है, और काटिंगा के इधर उधर देखोगे तो क्या है भाई, गोल्डन नहीं गोल्डन बाप रे बाप ड्रॉट क्वाड्रिलेटर, गोल्डन क्वाड्रिलेटर इंडिया में, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल लैटरल। तो भैया ये रहता है यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। इंडिया में देखो मैंग्रोव मिलेगा, थॉर्नी, मेडिटेरियन कहाँ मिलेगा? ये तो यूरोप और अफ्रीका के पास मिलता है, ये इधर ऊपर यूरोप नीचे अफ्रीका, इसके बीच में पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी होता है, उधर फल फ्रूट बहुत ग्रो होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स ऑफ ब्राजील, भाई रेड पांडा तो हमारे दार्जिलिंग में मिलता है, ये उधर कैसे मिलेगा? दार्जिलिंग बताओ कमेंट करके कौन सा स्टेट के अंदर है। ये ऑडमैन अपन फाइंड कर रहे हैं। देखिए विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, देवदार अंजन बनियान ऑर्किड। गाइस देखो एक बात बताऊंगा, थोड़ा आप लोग भी एग्जाम में ऑर्किड ही मार्क करना, या ऑर्चिड बोलते सब लोग। लेकिन गाइस हिमालय में ऊपर जाओगे ना, हिमालय में एकदम माउंटेन पे ऊपर जाओगे ना, आपको ऑर्किड मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोला, देखो ये सब कौन से है? हमारा ये देख रहे हो सब, ये डेसिडुअस टाइप है, ये अकेला ऐसा है जो टाइगर टाइप है, टाइगर टुंड्रा टाइप है, इसलिए उसको निकला। आप लोग जान दो, इसने डिटेल में मत जाए, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसा मत बोला। ऑर्चिड क्या होते गाइस? फ्लावर होते हैं, फ्लावर होते हैं ये, और इतने ब्यूटीफुल होते हैं। आप लोग कमेंट, अरे कमेंट बोल रहा हूं, आप लोग गूगल करके देखना ऑर्किड्स कितने कलरफुल होते हैं, ठीक है, बहुत कलरफुल होते हैं, हद से ज्यादा सुंदर होते हैं। इनके ऐसा फ्लावर, इनके जितना बड़ा फ्लावर, हम लोग फ्लावर कितना देखते हैं, इतु सा, ये इतना बड़ा बड़ा फ्लावर होता है कि कभी कभी इंसान जितना बड़ा होता है, इसलिए ऑर्किड्स फेमस है। शादी ब्याह में यूरोप में जर्मनी में या फिर आप ग्रीस में किसी का देखे तो लोग ऑर्किड्स लगाते हैं, बोलते ना वो वाला ऑर्किड चाहिए। मेजर क्रॉप ऑफ ब्राजील, भैया उधर कोको मिलेगा, कोको से चॉकलेट बनता है, कॉफी मिलेगा, सोयाबीन भी बहुत करता है, जवार बाजरा तो भाई हम इंडियंस खाते हैं उधर कहां पे। मेन पर्पज ऑफ फील्ड विजिट, देखो ज्योग्राफिकल है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, मजे करेंगे ये कब होता है? मजे थोड़ी होते हैं, पढ़ाई करना होता है, टीचर डंडा मारेगा बोलेगा चल जा घर पे वापस, पढ़ाई नहीं कर रहा है ऐसा। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन बिहार, तो देखो जो भी कोस्ट के नजदीक है या जहां पे डेजर्ट है वो सब है। ये भैया अपना बिहार कब से बनाने लगा? बिहार में तो मस्त पानी ही पानी है। चलिए ये भी वही है, एक फॉलोइंग साइज इसलिए बीच में डाल दिया था। एवरग्रीन ये सब देखिए सब मैच करके रख दिया, ऑलरेडी आप लोग का काम हो गया है, ठीक है। वहां पे खेजड़ी देखो अपने थॉर्नियन बुश टाइप है, तो ये अपने इंडिया का सबका है। अभी देखो अभी मनोज देखो, ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्लाइड शिफ्ट हो गई पूरी, तू भी जितना मार्क कर दिया उतना देख लो। मनोज क्या है? नॉट मच डिफरेंट, अब देखोगे तो अमेजॉन रिवर के पास ही है ये, तो मनोज पोर्ट है, आप लोग मान लो ओनली वर्किंग और फेमस इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट कौन है ब्राजील का? वो है मनोज, मनोज नहीं मनोस। राजस्थान लो रेनफॉल रीजन, आइलैंड्स ऑफ ब्राजील ग्रासलैंड है, उधर ग्रासलैंड है। ये आंसर लिख दे रहा हूं गाइस, ये इधर आएगा, ये शिफ्ट हो गया पूरा पीपीटी। नॉर्थ इंडियन प्लेन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, मतलब क्या? ये हमारा नदी बह रही है, यहाँ पे लोग एक जगह जमा होकर रखेंगे, बाकी जगह क्या करते हैं, घूमते क्या नहीं, इधर खेती करते, फिर ऐसा जमा होकर एक ही गांव में पूरा रहेंगे, गांव के आजू बाजू खाली खेत, खेती के लिए न्यूक्लिएटेड रहते। एग्रीकल्चर, अभी ट्रांस अमेजोनियन रूट, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, क्वाड्रिलेटरल देखो ऐसा चौकोन बनाता है। कमेंट करके बताओ ये चार सिटीज कौन कौन सी है जिसको ये कनेक्ट करता है। रियो द जनेरियो टूरिस्ट स्पॉट है, मार्क करने को आता है एग्जाम में, मैंने बनाया भी इसका। चलो क्वेश्चन नंबर टू, अब गाइस आप लोग के थोड़े कमेंट ले लेते हैं, क्या आप लोग के कमेंट्स है थोड़ा देख लेते हैं। ओके मोहित, ओके ओके ओके, एक साल पहले आपने सब्सक्राइब किया, थैंक्स यार, सो लॉन्ग आपने हमको सब्सक्राइब करके, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट मोहित। जी हाँ वो जरूर मैं बनाऊंगा। ओके बाय बाय बाय,
अमित, हाय अमित, हाय जी, यश यादव आपका सुबह ही कमेंट पढ़ा, आप ज्योग्राफी मांगे थे ना, टेक ट्रिलियन, हाय हाय टेक ट्रिलियन, लैग हो रहा है, लैग नहीं हो रहा बार। सर ज्योग्राफी में कुछ नहीं हुआ है, जरूर तो ये करिए, हो जाएगा। और मेरा 6.5 घंटे का एक वीडियो, प्लीज जाके उसे देख लीजिए, फायदा यार। पूरे चैप्टर को मैंने बुक के हिसाब से बताया, ये भी नहीं कि इंपॉर्टेंस नॉन इंपॉर्टेंस, सबको मैंने एक साथ कैसे याद रखना है, ट्रिक सब बताया मैंने उसके अंदर। अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, मेरा 6.5 घंटे का फॉलो कर लीजिए, अगर टाइम नहीं है रिवाइज कर लीजिए वहां से। ओके ओके ओके, हाय शायस, हाय हाय हाय, ओके थैंक्स, बिग फैन, थैंक्स थैंक्स यार। आपके साइकोलॉजी के वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं है? कौन से प्लेलिस्ट में? तो बना के रखा हमने, अभी देखा ना साइश सहेश, अभी चैट देखा मैंने, अभी देखा। चलिए गाइस दबा के शेयर करते रहिए और खुद भी लाइक कर दीजिए गाइस, मुझे रिमाइंड ना करना पड़े, प्लीज सपोर्ट मांग रहे, सिर्फ उसे दिखा दीजिए, आप लोग लाइक करते जाइए वीडियो को, सो दैट इट गोज टू अदर ऑडियंसेज ऑल्सो। आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन अगर कॉपी पेस्ट करना होता तो मेरा आधे घंटे का काम था, लेकिन ये इतना टाइम ले रहा है क्योंकि इसमें कुछ है ऐसी चीजें, आप खुद देखना, कभी गो थ्रू करना जिसने भी पढ़ा है कि कैसे चीजें दी गई हैं, इतने टफ टफ क्वेश्चन, इतने टफ टफ चीजें दी गई हैं कि रियली मतलब एक नॉर्मल बच्चा जल्दी ग्रैब नहीं कर पाएगा। ठीक है चलो चलते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ प्रॉपर ऑर्डर प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। तो देखो फील्ड विजिट में क्या करोगे, पहला जाके विजिट करके आ जाओगे, ऑर्डर में लगाना है, तो इसका नाम है बिडैक। तो पहले भी आप पहले सिलेक्ट करते हो कि अपन जाएंगे गोवा, ठीक है, फिर अपन इसके बाद करेंगे प्रिपरेशन, करते हैं कि अपन शॉर्ट्स कपड़े लेते हैं एकदम, दोस्तों को घर वालों को फैमिली सबको बता रहे कि बनता ही गोवा जा रहे हैं अपन। उसके बाद आप लोग विजिट करते हो, गोवा जाते हो और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग करते हो, आपकी कंडीशन से रिपोर्ट राइटिंग मालूम पड़ जाती है कि भैया ये पूरे मजे करके आए गोवा से, चलिए जस्ट फॉर फन ऐसे मजाक कर रहा हूँ, टीचर्स गोवा वो भी जाते हैं लेकिन बताते नहीं है। आइडेंटिफाई द ऑड इन्वेंट्री, देखिए इन्वेंट्री से वही ऊपर ऑर्किड यहाँ पे हो गया, रिवर्स ऑफ द ब्राजील नॉर्थ विंग, ये फिर से क्वेश्चन आ गया जी। खुद जो हमारा जो ओरिजिनल पीडीएफ है जो गवर्नमेंट ने अपलोड किया उसमें ऐसे दो बार दिया गाइज। अरेंज द चौथा क्वेश्चन, गिवन स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या पहले ज्यादा वाला बाद में कम वाले के बारे में जाना है। सबसे ज्यादा भैया अपना नाम रोशन किया यूपी, फिर एमपी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसको याद देखो ऐसे कर लो, यू महा महाराष्ट्र से, दिक्कत क्या होगी आंध्र प्रदेश ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में, उधर कहाँ पे इतने सारे ट्राइब्स में इतना पॉपुलेशन नहीं होता है, तो इसका वाला इधर मत लग रहा, तो यू महा यमहा करके याद रखना। चलो अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ ब्राजील अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ। तो भैया अमेजोनस में कम है क्योंकि अमेजोन के पास है पाना रियो द जनेरियो, सबसे ज्यादा तो 100 पालो, नॉट एक को पालो, 100 को पालो, हमेशा एक से अच्छे 100 है, ऐसे है साओ पालो है इसका नाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग विच अफेक्ट द पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। गाइस फेवरेबल देखो सब में ग्रीन में कर दिया है, तो आप फेवरेबल का चाहिए तो ऐसे लिख भी सकते, फेवरेबल करके अनफेवरेबल लिख के यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का पॉइंट लिख देना, प्रॉक्सिमिटी टू सी, तो भी यहाँ पे भाई अच्छे रहते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट, मजेदार ठंडा मौसम, देखो सब लोग सपना देखते हैं कि एक दिन हम लोग भी यूरोप जाएंगे, न्यू सिटीज एंड टाउन्स, जॉब बहुत मिलता है, सब फैसिलिटी रहती है, फिर मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स लगेंगे तो इंडस्ट्री रहेगी, इंडस्ट्री रहेगी तो जॉब रहेगा, जॉब रहेगा तो पैसा इज्जत रुतबा रहेगा, और लैंड फॉर फेवरेबल करने, तो ये फेवरेबल, बाकी बचे हुए सब लैक ऑफ रोड, रोड ही नहीं है तो क्या करेंगे मजे, गोवा कैसे जाएंगे अपन, लैक ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नहीं है तो क्या जॉब करेंगे अपन, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब इंडिया ऐसा थोड़ा सा रहता है, ट्रॉपिक मतलब जनरली गाइज दिक्कत क्या होती है, गर्मी बहुत रहती है, हीट बहुत रहती है और ऊपर से ह्यूमिड भी, मतलब चिपचिप। सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड मतलब देखो एरिड होता है पूरा राजस्थान, पूरा राजस्थान ये थार डेजर्ट राजस्थान का, उसके थार के आजू बाजू में ये थार है ना, तो थार के आजू बाजू वाला एरिया ना, जैसे हमारा कच्छ ले लो, कच्छ
वो क्या है हमारा सेमी एरिड जोन है, तो उधर भी लोग ज्यादा नहीं रहते. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील करेक्टली. तो फर्स्ट है आंसर, फर्स्ट इज द आंसर गाइज. चलो अब हम लोग कर रहे गाइज डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब फर्क बताने का, तेरे मेरे में फर्क, तेरे मेरे में फर्क. तो देखो वाटर ट्रांसपोर्ट करना है गंगा एंड अमेजोन के उसमें, तो इट इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. कौन? अमेजोन का. गंगा सेकेंड है गाइस, ध्यान रखना इट इज सेकेंड. हमको लगता है कि गंगा ग्रेट है, जी हमारे इंडिया के कल्चर के हिसाब से ग्रेट है, लेकिन ध्यान रखेगा इमोशन में आके उसको पहला नहीं बोलने लगा. सबसे पहला कौन है? अमेजोन का. ग्रेट बेसिन क्या मतलब? जगह, कितना जगह ये लोग ने कवर किया है. अमेजोन का जो जगह है ना गाइस, बहुत ज्यादा जगह कवर करता है. इसलिए मोस्टली कॉमर्शियलाइज ट्रांसपोर्टेशन इज प्रैक्टिस विद सम डिग्री ऑफ ट्रेडिशनल मेथड. तो कमर्शियल यूज के लिए वो बोट वीट लेके जाते हैं, मिनरल्स आजकल खुदाई चालू है, तो वो सब. मोस्टली प्रिमिटिव एंड ट्रेडिशनल मेथड आर यूज. द कॉमर्शियल वर्जन इज यूज ओनली इन ईस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट मतलब किधर? अपना ये देखे हो, क्या नाम है अपना, हल्दिया, हल्दिया पोर्ट है उसके नजदीक, बंगाल में करते हैं लिटरली. इसलिए बंगाल का इंडिया के ईस्ट में. इट इज हाईली नेसेसरी ओनली इन ईस्टर्न पार्ट हैविंग अ हायर पॉपुलेशन. तो वहां पे ज्यादा है ना, वहां पे बहुत ज्यादा है. इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन, क्योंकि पानी का सोर्स है भाई और भक्ति का सोर्स है, रिलीजन का सोर्स है. नॉट हाईली डेवलप्ड इन द इंटीरियर पार्ट्स ड्यू टू अकरेंस ऑफ वाटरफॉल. मतलब इंटरनल मतलब अंदर की, ये सब जहां से शुरू हो रहे हैं ये सब इलाकों में, तो बाप रे बाप, जाओगे तो मच्छर विच्छर काट के भाई एनिमल्स काट खाएंगे आप लोग को. हाईली डेवलप्ड थ्रू आउट द रीजन ड्यू टू प्लेन टपोग्राफी. इंडिया का माउंटेन से निकलता है गंगोत्री से, लेकिन उसके बाद उसका रिवर का बड़ा पार्ट पूरा लैंड पे जाता है, और उल्टे हमारे पहाड़ों पे भी आप जहाँ पे देखे रहोगे भागीरथी और अलकनंदा रिवर आके इधर से ऐसे मिलते हैं, ऐसे संगम जहाँ बोलते हैं, कितना खतरनाक दिखता है. एक थोड़ा धुंधला धुंधला सा रहता है और एक थोड़ा ब्लू ब्लू रहता है पानी. तो इधर देखो कितने सारे लोग घर बना लिए हैं, मजेदार ब्यूटी. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बात कैसे करते हैं? ब्राजील एंड इंडिया. तो हमारे यहाँ पे ये देखो, ब्राजील पहले और इंडिया सेकंड लिखा. तो प्राइवेट बहुत है हमारे इधर, गवर्नमेंट भी है ठीक है, क्योंकि BSNL MTNL हाईली डेवलप्ड विथ मोर इंक्लूजन ऑफ पीपल. बहुत डेवलप, हाईली डेवलप्ड थ्रू द इंक्लूजन ऑफ एवरीवन इज स्टिल नॉट सक्सेसफुल. मतलब कि आप देखोगे जैसे कि वर्ल्ड में 5G के ऊपर काम चालू है, इंडिया अभी भी सोच रहा है साउथ कोरिया को कैसे बोले, अमेरिका कनाडा को कैसे बोले कि भाई हमको भी दो ना. जियो बहुत ट्राई कर रहा है, जियो फाइबर ये सब लाके ट्राई कर रहा है, लेकिन अकेले कितना ट्राई करिए. मेनली कवर्स ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि भाई वेस्ट में पूरा बेकार हो लोग, पानी नहीं है, दलदल जोन है, अमेजोन है, तो कहाँ पाएगा. सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन इज लार्जली लेफ्ट आउट ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी. मशीन वशीन लगाना पड़ेगा, कहाँ लेके जाएंगे. कवर्स मोस्टली एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, इवन लेह लद्दाख के सबसे दूर के इलाके में भी BSNL कार्ड अपने को देता है, भेजते रहता है कि जाओ ले लो ले लो. अब स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये दो को लेके गाइस कर रहे हैं हम लोग अभी, ब्राजीलियन और इंडियन. BRT क्यों लिख दिया हमने, BST लिखना चाहिए था. ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, RT आ गया, ये गलत है ठीक है. चलो, ब्राजील हैज 4 टाइम जोन, इंडिया हैज अ सिंगल टाइम जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिफरेंट बाय 2, 3, 4, 5 आवर्स अकॉर्डिंग टू टाइम. तो देखो चार है, तो चार के हिसाब से चार इतने घंटे का फर्क भी रहता है. डिफरेंट बाय 5 hours 30 minutes किससे? मास्टर अपने मालूम है, ग्रीनविच में, ग्रीनविच ये UK में है. तो UK से देखो ब्राजील का 2 घंटा भी गिरता है, 3 घंटा भी, 4 घंटा भी, 5 घंटा भी, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन है. हमारे इंडिया का सिर्फ एक ही है, 5.5 घंटा आगे हम लोग अहेड हैं, अपने पीछे जो है वो बैक में है. देखो तो ये बैक में, तो देखो BRT इज बिहाइंड और इंडियन स्टैंड टाइम्स अहेड ऑफ BRT 8 hours 30 minutes. तो देखो ये लोग ने अपना 3 घंटे वाले को स्टैंडर्ड बनाया कि 3 वाला हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन
ये यूके तक 3 घंटा, इंडिया का प्लस 5 घंटा, इंडिया और आगे है 5.5 घंटा, तो टोटल कितना घंटा इंडिया आगे हो गया, 8.30 आवर्स। यहां से ही आता है कैलकुलेशन, टेंशन नहीं लेने का, सब बताएंगे आप लोग जो भी डाउट रहे, अगर डिटेल में कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है ना भाई वो भी बताओगे, ठीक है। चलो, लोकेशन एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील कंपेयर करना है, ये सब आप लोग को ये रट्टा फायरेगा। आप लोगों ने वो जो पढ़ा है ना लॉन्जिट्यूड, वो वाला पार्ट कर लेना रट्टा का, देखिए मोस्टली रट्टा है गाइस, ये पूरा रट्टा है, रट्टे का पार्ट पूरा कर लीजिए। हेमिस्फीयर देखिए, हेमिस्फीयर हमारा, हम लोग इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया इज लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वर्ल्ड को 4 पार्ट में डिवाइड करने का, तो इंडिया देखो ये ईस्ट वाला है, पूरा का पूरा पार्ट ये ईस्ट है, और नीचे वाला पार्ट ये सदर्न है, और ऊपर वाला पार्ट पूरा नॉर्दर्न है। तो इंडिया भैया अपना लाइक करता है इधर, इंडिया नॉर्थ एंड ईस्टर्न, वहीं पे ब्राजील पूरा अपोजिट, साउथ एंड वेस्ट, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। अब ये सब लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स आप लोगों को करने पड़ेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। चलो, और ट्रॉपिक कौन कौन से, अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है ब्राजील से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, तो ब्राजील में गाइस देखो ध्यान करें, 1822 में पोर्चुगीज का रूल था ना वहां पे, तो पोर्चुगीज से वो लोग हुए, लेकिन गाइस वहां पे ध्यान रखना है कि देखो पोर्चुगीज उचुगीज सब लोग थे, वो लोग आजादी मिली लेकिन उसके बाद वहां पे पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई थी, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई थी। पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट मतलब क्या, देखो ये वर्ड पॉपुलिस्ट का मतलब होता है कि लोग खुद चाहते थे, पीपल देमसेल्फ वॉन्टेड मिलिट्री को करेंगे, मिलिट्री डिसिप्लिन रखेंगे, देश को आगे जाएगी, लेकिन मिलिट्री ने ऐसी वाट लगाई ना ये लोग की, तो ये लोग बोले ओरे दादा बाबा बाबा बैक टू दी अपना रिपब्लिक स्टेट, डेमोक्रेसी लाते हैं अपन, तो अमेजोन की कहानी ऐसी थी। अब इंडिया में भाई, इंडिया में हमारा तो 1947 में आजाद हुए, हम लोग किसके अंदर में थे, ब्रिटिश के अंदर में थे। फिर इंडिया में भाई हमारे साथ तो अभी लिखते कि 3 मेजर लीग, हमारे इंडिया का तो बहुत वॉर हुआ, चाइना के साथ एक हो गया, ठीक है, और उसके बाद तो भैया 1965-72 और कारगिल वॉर, और एक 47 में भी हुआ था जब भी जम्मू कश्मीर को लेके उसने अपने पे अटैक किया था, लेकिन उसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं, तो पाकिस्तान के साथ ये वॉर हुए। तो इंडिया आज आगे बढ़ चुकी है, कर रही है, तो वो वाले आंसर भी इसमें इंक्लूड करना, ठीक है। ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आंसर को अच्छे दिखने के लिए, अदरवाइज बुक का भी रहेगा वो भी कर लेना। गाइज ये सब मैं क्यों अच्छे से मतलब बहुत बड़ा बड़ा करके नहीं बता रहा, ऑलरेडी मैंने अपने वन शॉट वीडियो में बहुत डिटेल बनाया, और ये क्या, ये गाइज रिवीजन सीरीज है, आप लोगों को मेन क्या, आप खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं फिर से यहीं पे बताऊं वहां पे बताऊं तो डुप्लीकेशन हो जाएगा वर्क का, और टाइम आप लोगों को पता है कि 1 महीने बाद सबका एग्जाम है तो लिमिटेड है, तो प्लीज बातों को समझना आप लोग, ठीक है। चलो, इंडिया मेजर फिजिकल डिवीजन और ब्राजील का, तो वहां पे क्या क्या, तो देखो वहां पे हाईलैंड है, द ग्रेट स्कार्पमेंट है, द प्लेन्स है, और हेमिस्फीयर कौन सा लाइक कर रहा है, हमारे इधर हिमालय है, पेनिनसुला है, ये देखो, और नॉर्थ इंडियन प्लेन, बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, ये सब को लेके आप डिफ्रेंशिएट कर देना, आपका हो गया तारा रारा, आंसर एकदम पूरा सारा रारा। तो गंगा रिवर बेसिन गाइस, इसको कौन सा बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए, देखिए ऐसा रियल बुक में क्या दिया है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, बुक में क्या बोला है, इसके बदले ना जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गंगा रिवर बेसिन बोला है, गंगा रिवर बेसिन बोला है वर्सेस ब्राजीलियन प्लेन्स बोला है। अब देखो ब्राजीलियन प्लेन्स और ये सब बेसिन का अपन लोग क्या करना पड़ेगा इस, अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को ही तो बोलते हैं गंगा रिवर बेसिन, सिंपल से, तो दिमाग लगाना है, तो ये आंसर अपना बन जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, अब क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा, देखो गाइस वो इक्वेटर के नजदीक है, क्लाइमेट कैसा रहेगा वहां पे, हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा, साथ ही साथ आप पाते हो ब्राजीलियन हाईलैंड के नजदीक वहां पे टेम्परेट भी है, वहां पे कौन सी हवाओं से बारिश होती है, एक नॉर्थ वाली हवा आती है और एक साउथ से, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट विंड से, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट गाइस, ये कैसे देते, देखो ये दो पार्ट में, यहां से देखो ये साउथ से आ रहा है ये, अच्छा हवाओं का नाम ना गाइस, जो विंड का नाम है ना उसके ओरिजिन प्लेस से बोलते हैं, ओरिजिन के प्लेस से बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखो कहां से शुरू हो रहा है, कहां को जा रहा है, नहीं कहां को देखो, तो देखो जा तो ये साउथ वेस्ट की तरफ रहा है, लेकिन जो हवा का नाम है ना वो स्टार्ट कहां से हो रहा है वो देखते हैं,
ध्यान रखना। और इंडिया का तो, अपना इंडिया तो भाई इतना ज्यादा जोग्राफिकली रिच है कि अपने इधर मानसून है, हमें 12 महीने पानी मिलता है। पहले 6 महीने ऐसा विंड आता है मेन लाइन इंडिया की तरफ आता है, उसके बाद 6 महीने बाद वापस भी आता है ऐसा विंड ठंडी के टाइम में, लेकिन ठंडी के टाइम में बारिश सिर्फ तमिलनाडु में करके जाता है, और इसलिए आप पाते हो कि कावेरी में 12 महीने पानी रहता है। 12 महीने पेनिनसुला की ओनली रिवर जिसके पास पानी हमेशा रहता है वो है कावेरी। ये सब गाइस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आप लोग को मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो गाइस मैंने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया है थर्ड चैप्टर में जो आप लोग का बताया ना मैंने। इवन आप लोग को मालूम है, आप लोग को स्पेसिफिकली मैंने वहां पे ना वो टाइम का टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, तो आपको जो चैप्टर चाहिए ना, जैसे थर्ड ही चैप्टर जाइए तो उसके पास जो स्क्रोल करोगे उस टाइम स्टैम्प पे आप पहुंच जाओगे और वो चैप्टर देख लेना आप लोग गाइस, ठीक है। चल होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड। फॉरेस्ट देखो वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब क्या होता है, पेड़ ट्री, तो यहाँ पे ट्री का ही मेंशन है, भले मैंने फॉरेस्ट इन ब्राजील और फॉरेस्ट इन इंडिया लिख के रखा है, तो ये सब आप लोगों को पढ़ लेना। फिर अगेन से हमारा जो क्लाइमेट के बाद वेजिटेशन एंड एनिमल्स का पार्ट है फिफ्थ चैप्टर, वहां से ये सब क्वेश्चन है, टेबल लिख दिया, ठीक है। अब एनिमल लाइफ, तो एनिमल भैया देखो ब्राजील में कौन कौन से मिलते हैं, गिनी पिग मिलता है, गिनिया पिग नहीं गिनी पिग, क्रोकोडाइल एलिगेटर सब मिलते हैं, मंकी प्यूमास लेपर्ड मिलता है, और ब्लैक पैंथर, उनकी नदियों में पिंक डालते हैं पिरानाज मिलते हैं, हमारे नदियों में भाई चौचल क्रोकोडाइल गरीवाल्स अरे ये सब मिलते हैं, घड़ियाल सॉरी घड़ियाल। और हमारे एनिमल देखिए अलग अलग है, पेनिनसुला का मैंने इंक्लूड नहीं किया, पेनिनसुला में अब ये आंसर गाइस नहीं है, ये सब जो मैंने लिखे ना ये सब आंसर नहीं है, ठीक है। वन हॉर्न एनिमल मतलब एक सींग वाला गेंडा राइनोसोरस, ठीक है, ये आसाम में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क तुरंत ध्यान में आना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, बंदा या बंदी कितने साल तक जीने वाला है, उसकी लाइफ कितने साल तक जिएगा वो, ये बात होती है किसके अंदर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर। तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है अभी फिलहाल में 2016 का ये डेटा आप लोग ग्राफ देखोगे तो। अब ब्राजील में कितना, 75 ईयर्स, तो ब्राजील का हाई है, इंडिया में सिर्फ एवरेज 68 ईयर्स ही जीते इंसान। अच्छा लाइफ अगर गाइस 1960 का ग्राफ आप देखोगे ना तो इंडिया ने कितना, 41 से इंडिया 68 पे आ चुका है, इंडिया 27 ईयर्स ऐड किया, वहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसने 1960 में 54 थी और यहां पे हमारी कितना हो गई इसकी 75, जस्ट और जस्ट 21 ऐड किया इसने, तो इंडिया ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया कंपैरेटिवली, तो ये कंपैरिजन का पॉइंट है गाइस और कुछ नहीं इसमें। अब देखो गाइस अपने को इसके बाद अर्बनाइजेशन का पॉइंट है, अब अर्बनाइजेशन को लेकर देखो यहां पे मैंने लिखे, इसमें से दो दो पॉइंट इंक्लूड करना, कोई भी दो पॉइंट लिखोगे आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर कौन सा करना चाह रहे हो, क्यों इसको ऐसे किया, देखो अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया को लेके मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, फॉर्मेट भले ही रहे, मैंने क्यों आप लोग को देखो अगर 2 मार्क का है तो जी हाँ 2 मार्क के तो 4 पॉइंट ही मैक्सिमम, जिसको नहीं आ रहा है तो सिर्फ 2 पॉइंट याद करके जा रहा है तो भी काम हो जाएगा, ये उनके लिए कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। और पूरा एकदम डिटेल में अगर क्वेश्चन आए कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया और को एक्सप्लेन करिए फिर अर्बनाइजेशन ब्राजील, तो उनके लिए कि उनके 3 मार्क्स जाए ना, तो उनके लिए मैंने लिख के रखा है, अदरवाइज 2-2 पॉइंट इंक्लूड करोगे तो काम हो जाएगा। देखो सेम वहां का बहुत ज्यादा है, अपने इंडिया का सिर्फ 34% है, उसका 84% है, मतलब उसके शहर में इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट और रॉन्ग, तो देखो मैंने बाजू में हाईलाइट कर दिया, ब्राजील इज मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर, ट्रू, लिटरेसी रेट इज हायर, ब्राजील इज पढ़े लिखे ज्यादा है अपने से, ये सबका सब देखो मैंने मार्क कर दिया, आप लोग रीड कर देना, इसको क्या एक्सप्लेन करूं, इक्वेटर पासेस टू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील से, ये बात भी ट्रू है, परफेक्ट है, कुछ रहेगा इशू तो मुझे कमेंट करके बता देना, भाई ये किधर गया इसका, फॉल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, आप लोग परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर इतना आप, मैंने टोटल हिस्ट्री का भी एक रिवीजन सीरीज बनाया, पूरा हिस्ट्री का रिवीजन और पूरा वन शॉट लेक्चर बनाएगा इस 4.5 घंटे का, 4.30 का, उसका मेरे को पूरा स्लाइड नियरली 220 का था, ये अकेले में इतने सारे स्लाइड ना, ये अकेला सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही मेरा 174 पेजेस का हो चुका है,
और वो भी मेरे को थोड़े बाद में और ऐड करने, आप लोग को और दूंगा ऐड करके, तो 200 तक का सिर्फ क्वेश्चन बैंक हो जा रहा है। सोचो, चलो आंसर इन वन सेंटेंस। फिर से सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट। आंसर देखो नीचे लिखा है, सब सबका आंसर गाइस नीचे लिख के रखा है। ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, गंगोत्री। हाईएस्ट पीक ऑफ दी ब्राजील, पिको दे नेब्लिना। हाइट कितनी है? 3014 मीटर बोलने का बनता है, किलोमीटर बोला ना तो वाट लगा देगा एग्जामिनर। मीटर मीटर ठीक है। अब ये सबका सब आंसर आप लोग को लिख के दे दिया है, सब कोई दिक्कत नहीं है गाइस। शेयर करते रहिए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम। अब देखिए सेक्स रेशियो का गाइस डेफिनेशन देखिए क्या किया मैंने। व्हाट इज द सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो आल्सो नोन एज जेंडर रेशियो। तो एग्जाम में जेंडर रेशियो बोले ना तो यही लिखने का है। रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, कितने ये मेल्स फीमेल्स का, फीमेल्स टू मेल्स का रेशियो होता है। या तो आपको जो मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बोला था ना वो ज्यादा प्रॉपर है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप वो ले लेना। क्या हमारे ये यूरोपियन के लिए, यूरोपियन लोग के लिए, इसलिए आप ये पाओगे जैसे कि वहां पे ना मेल कम है फीमेल ज्यादा है, तो वो लोग नीचे फीमेल रखते हैं। हमारे इंडिया में मेल ज्यादा है तो हम लोग 1000 मेल पे गिरते हैं। तो ये आंसर को अवॉइड करके सिक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ, ये वाला लिखना, फीमेल पर थाउजेंड मेल, ये आंसर लिखना ठीक है। इन अ पॉपुलेशन कितना है गाइस? देखो हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय 5.6%, ये आंसर है। ये सब बुक के अंदर से दिया है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ केरल? आप ग्राफ देखोगे गाइस ये दिखाता है, कलर करके रखा है मोर देन 500 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन एग्जैक्ट बुक किया तो 859 लिख देना, 2011 के सेंसस के डेटा से। सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है? सोयाबीन ठीक है। अब विच रिवर बेसिन इज फाउंड एट द वेस्ट? बेसिन पूछ रहा है किधर, वेस्ट की तरफ वहां पे रिवर्स नहीं है, बेसिन पूछ रहा है। बेसिन मतलब एरिया होता है गाइस, एरिया कवर्ड बाय वाटर रिवर। बेसिन का मतलब क्या होता है? एरिया कवर्ड बाय रिवर। तो वेस्ट में कौन है ब्राजील के? आप पाओगे यही है, टोकनटेन, अरगुआ और अमेजोन। चलो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको बोलते हैं, डिफरेंस। विच इज कॉस्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? एयर भाई, हवा में जाते हो तो भाई कितना महंगा रहता है। टूरिस्ट सिटी रियो दे जनेरो। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बात करना दो लोग के बीच में, सो इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। इन विच पार्ट, ये भी क्वेश्चन बुक में नहीं, ये सब ऐसे बाहर से डाल के रखे उसने। इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड? अगेन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, और क्या लिख सकते हो? सेंट्रल, ये सब जगहों पे इसका नहीं है तो आप लोग लिख देना। अब गाइस ये देखो आंसर सीरीज है, अभी गाइस एक एक को मैं एक्सप्लेन, सॉरी गाइस एक एक को एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो यही वीडियो मेरी फिर से 6 घंटे वाली वीडियो हो जाएगी, क्योंकि बताया ना मैं आप लोगों को 200 स्लाइड है इसमें, हर एक स्लाइड को डिटेल है। ज्योग्राफी में बिना डायग्राम के बताता नहीं हूं क्योंकि समझ में नहीं आता ना। अब वो सबको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा ना गाइस तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। आप लोग सीरियस हो तो इसको समझ लेना जाके वो वीडियो से, अदरवाइज रखना चाहते हो तो यहां से रख लेना। और जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने तो भाई यहाँ से अपना स्टार्टिंग में दे दिया मैंने, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया ठीक है। 40 मार्क का आने वाला पेपर तो इसमें से क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा गाइस, दूसरा ऑप्शन नहीं। पर्पज ऑफ फील्ड विजिट क्या है? अगर ये इंपॉर्टेंस करके अपने बुक में है तो वो इंपॉर्टेंस ही पर्पज है इसका ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, वहां पे मैंने लिखा था ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखो, कंपेरिजन करके आया था ब्राजील और इंडिया, तो मैंने ये पॉइंट कोट किए थे वहां पे, तो आप चाहे तो डिफरेंस में ये पॉइंट भी लिख सकते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री अरे इंडिया एंड ब्राजील में। देखिए फिर क्लाइमेट को करके देखो कंपैरिजन, वहां पे सेम पॉइंट रिपीट हुआ है, देखो ये रिपीटेटिव है। वेजिटेशन इन ब्राजील देखो, मैंने सिर्फ फॉरेस्ट का सीन वही लिया क्योंकि इसके अंदर सर ना सबके सब प्लांट्स ही मेंशन है, प्लांट्स ही मेंशन है, दूसरा कुछ नहीं है। एनिमल लाइफ इन इंडिया, इंडिया को देखो मेगा डाइवर्स बोलते हैं, ब्राजील के टाइम में क्या लिखते हैं? मोस्ट डाइवर्स, वर्ल्ड में सबसे डाइवर्स कौन है? वही है अमेजॉन, लेकिन इंडिया क्या लिखते हो? मेगा डाइवर्स लिखते हो, तो ये वर्ड का ध्यान रखना।
तो हमारे हर जगह देखो कैसे वन हॉर्न डायनासोर्स स्वयंपी मार्शी आसाम, वाइल्ड लाइफ एंड कैमल ये किसका लिखेंगे? अरे भाई आ जाओ, वाइल्ड लाइफ अपना देखो ये एरिड, एरिड का मतलब क्या होता है? राजस्थान जैसे जगह, स्नो लेपर्ड एंड या ठंडी वाली जगह तो हिमालय में मिलेगा। बाइसन डियर एंटीलोप एंड मंकी पेनिनसुला में, पेनिनसुला क्या होता है जो तीन साइड वाटर से घिरा रहे। व्हाट इज पेनिनसुला? इट इज कवर्ड फ्रॉम थ्री साइड बाय वाटर। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर टाइगर एंड लायंस आर फाउंड, ओनली कंट्री ओनली। अब रिवर एस्टुरी में क्या मिलते हैं, बर्ड्स कौन से मिलते हैं, और लास्ट में ये डेंजरस पॉइंट अपना भाई मार रहे हैं अपने जो जानवर है खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स का एक्सटिंक्शन कुछ तो खत्म हो चुके हैं, जैसे चीता, चीता इंडिया से खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर से स्पीशीज गायब हो रहे हैं इंडिया से, तो वो भी लिखना जरूरी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे? ब्राजील में। अब ये आंसर भी है नहीं, ये बना के अपने को लिखना है। बहुत सारे आंसर बुक में से सीधा क्या है, ये टेक्स्ट मटेरियल है, टेक्स्ट मटेरियल है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे डेंसिटी कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा, इसको कलेक्ट करके मैंने आप लोग के लिए लेके आया, तो आप ये कर लेना कंपैरिजन। देखो ये अर्बनाइजेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, सेम चीज मैंने वहां पे ऊपर कंपैरिजन एक और बार दिया था ना, डिफरेंस करके बोला था। देखो यहाँ पे भी वही पॉइंट है, सेम चीज, ये देखिए सेम चीज मैंने लिखा, सेम चीज, सिर्फ स्लाइड का कलर चेंज किया है। ठीक है बच्चों, कोई इशू, कोई इशू, कोई इशू आप लोग बोलिए। एक सेकंड में कमेंट देख लेना, कुछ इशू तो नहीं आप लोग को? अब एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो भाई 60% लोग अपने इधर हैं, क्या क्या ग्रो करते हैं वो भी बताइए। इंडिया जो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स जीडीपी एंड ऑल्सो एंगेज इन अ लार्जर चंक ऑफ, कंपेयर टू ये इंडिया का देखो, कंपेयर टू ब्राजील, ये ब्राजील से कंपेयर करके बोल रहे पैसे के टर्म में। ये नहीं करना कि इंडिया में, इंडिया में सिर्फ 15-16% कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी ले, इंडिया कितना पैसा कमाता है उस हिसाब से लेगा इसको। ठीक है, तो इंडिया का 70% पैसा आता है सर्विस सेक्टर से, 67 बोलते लेकिन मैं 70 लिखता हूँ, 15% मैन्युफैक्चरिंग से, 15% एग्रीकल्चर से, तो सबसे ज्यादा इंडिया में सर्विस पैसा देता है। लेकिन ब्राजील से कंपेयर करके देखे ना तो ब्राजील में तो बहुत कम है, इंडिया तो बहुत पैसा निकाल के दे दे रहा है तो भी। ये देखो सेम पॉइंट, एग्रीकल्चर कंटिन्यू हो रहा है, इंडस्ट्रीज इन ब्राजील, तो उसके मेजर मेजर क्या पार्ट है आप लोग यहां से कर लेना गाइस प्लीज। ये आंसर भी बुक में आप लोग को रेयरली मिलेगा, शायद से ये वाला है, ये वाला आंसर है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इन ब्राजील, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पूरा वहां सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, कॉमन मेथड। यहाँ पे रोड की भी बात करें, वाटर की भी बात करें, और यहाँ पे अपने को अगर रोड की बात करें तो हमारा जो ट्रांस वाला उनका रास्ता था, ट्रांस अमेजोनियन जो रोड था, उसका नाम जरूर लिखना आप लोग, क्यों सबसे ज्यादा करता है, कनेक्ट करके रखा है पूरा। अब वाटरवे, देखो वाटरवे का भी इसमें नाम लिखना है, कहां से कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पहले फिलिंग में इसमें बच्चों को तैयार करता था। इक्विटस इन पेरू से लेके माउथ ऑफ रिवर अमेजॉन तक का, ठीक है ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रेलवे की भी बात किया है यहाँ पे, ये सबको मिला के अपना। अब ये यहाँ पे देखो कॉन्ट्रीब्यूशन एयरवे इज ऑल्सो लेस, तो हमने चारों की बात कर लिया, लैंड दैट इज रोड, रेलवे, वॉटरवे, एयर। एग्जाम्पल्स ताजमहल देने है, ठीक है, फिर गारापुरी या एलिफेंटा के, ये सब का एग्जाम्पल देना, लेकिन ये पॉइंट्स भी लिखने हैं पहले। ये भी आंसर बुक में नहीं है, ऊपर का जो ट्रांसपोर्टेशन ब्राजील का वो भी पॉइंट नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राजील, कैसे कैसे डेवलप है, ये पॉइंट भी नहीं है, सेम ये सब आप लोग को एक जगह ला के दे दिया है। और ये सब मैंने एक्सप्लेन कहां पे किया है, ये सब का रीजन भी मैंने बताया कि कैसे ये बहुत अच्छा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि 5G, कैसे ये जापान साउथ कोरिया से कनेक्ट करके ले रहा है, ये मैंने अपने वन शॉट वीडियो में बताया 6.5 घंटे के। अगेन कम्युनिकेशन इन इंडिया कैसे कैसे होता है, तो इंडिया का भैया सैटेलाइट वेटेलाइट एकदम छान चुका है। ठीक है, हिमालय, ये आंसर है ऑलरेडी, हिमालय के बारे में अपने को, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है।
हिमालय बहुत बड़ा पॉइंट है, तीन टाइप के ना, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक। तो ये सब के बारे में, प्लांट्स के बारे में लिखना, वहां के एनिमल्स के बारे में लिखना, कौन सी नदियां निकलती है वहां से वो लिखना, हमारा कौन सा पॉपुलेशन सेटलमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, कोई इशू हो रहा है क्या? ओके, आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं। ओके ओके, हाय हाय शेष सर, ट्वेल्थ बायोलॉजी का भी लाओ। ओके 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 सना जी, ओके सना जी, आपका कमेंट पढ़ लिया। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएससी, सो आप 11 12 ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स कवर करने वाले हो क्या? जी हाँ, ऑलरेडी हम दोनों खत्म कर दें, एंड में 50-60% तक हमारा कवर हो चुका है, 40% बाकी, वो भी मैं इसी एक दो महीने में खत्म कर दूंगा, तो हो जाएगा हमारा। एमपीएससी के लिए कर रहे हो तो हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। अब कोस्ट ऑफ ब्राजील, तो ब्राजील के कोस्ट के ऊपर टूरिज्म बहुत होता है, वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है, फिशरी बहुत अच्छी खासी जो बोलते ना करता है एक्सपोर्ट लेवल की, ये सब नए नए मशीन यूज करता है, मॉडर्न मशीन भी यूज करता है, साथ ही साथ उसका यहाँ पे ट्रेडिशनल भी है, ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिखना है गाइस। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया का, पेनिनसुला मतलब ये वाला पार्ट जो आप मैप में देखते हो, इसके बारे में इंडिया के लिखने का है। आप लोग के कमेंट्स देख रहा हूं बच्चों, आप लोग कमेंट्स देख रहा हूं मैं, जो भी डाउट हो लिख दीजिए। अब ग्रेट स्कार्पमेंट, ये ग्रेट स्कार्पमेंट कहां पे? ब्राजील में, ब्राजील में। ठीक है, देखो अब इसका क्या क्या खासियत है, ये कैसे बना, ये भी मैंने इसको ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल क्यों बोलते हैं ये गाइस। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होता है कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अपनी वीडियो, गाइस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए तभी जाना वीडियो पे, अदरवाइज पॉइंट्स मैंने लिख के दे दिए, पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, मॉडर्न मतलब जैसे आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो ना आजकल, स्मार्टफोन, ये सब मॉडर्न है, ये सब मॉडर्न है। ठीक है, तो ये सब के बारे में बात करना है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडिया का तो अच्छा है, इंडिया का कंपेरेटिवली बहुत अच्छा डेवलप्ड है एज टिवली, डेवलप एज कंपेयर टू ब्राजील। ब्राजील का क्या लोकेशन अच्छा नहीं उसका, इंडिया का प्लेन है, इंडिया में बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। इंटरनल वाटरवे, फिजियोग्राफी एंड इंटरनल वाटरवे, तो इसका आंसर भी है कि कैसे ये सब हेल्प करता है कि फिजियोग्राफी मतलब गाइस वहां का जो फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर है वो आप लोग बताइए, कंपेयर करना है उसको इंटरनल वाटरवे से, कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर फिजिकल फीचर माउंटेन विंटेन है तो वहां पे आप तो इंटरनल वाटरवे नहीं बना सकते, जैसे कि गंगोत्री से ये गंगा यहां से निकल रही है, उसके बाद में सीधे होती है, अब क्या यहां पे बोट चलाओगे? तो ब्राजील में तो ऐसे ऊपर ऊपर पूरे लैंड है, तो यहाँ पे कहाँ चला सकते हैं आप लोग, देखियो ना कि नहीं, जनरल ऐसा ही मैप है ब्राजील का। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई, सब लोग एक ही टाइम पे चलने चाहिए ना। तो मैं घर से निकला 4:30 बजे, मैंने आसाम वाले दोस्त को बोला कि मैं तेरे घर पे कल सुबह 4:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, फ्लाइट और रोड, लेकिन वो उसका 4:30 बजे अलग है, मेरा 4:30 बजे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, इसलिए क्या बोले एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस होता है सबका। नेम द फॉलोइंग, देखिए एक्टिविटी दैट इज डन, घूमने फिरने को जा रहे, फील्ड विजिट। अभी क्या पूछ रहा है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम सदर्न फुटहिल्स, तो देखो ये हिमालय हमारे इस तरह से है, ये देखो हमारे हिमालय है, तो ये नॉर्थ के साइड है, इसका सदर्न फुटहिल्स, तो ये फुटहिल्स का सदर्न पार्ट हो गया, से लेके नदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, तो इंडिया का पेनिनसुला कुछ इस तरह से है, तो इसका नदर्न पार्ट ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, तो भैया इसको नॉर्थ इंडियन प्लेन बोलते हैं। रेन शैडो, रेन शैडो मतलब जिधर बारिश नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। गाइस देखो अभी ये मैंने इसमें बहुत काम किया है, ये मैप मैंने बना के आप लोगों को दिखाया, इसमें क्वेश्चन एक किधर का, एक किधर का, एक किधर का करके दे, तो सिक्किम रिवर नर्मदा, तो सिक्किम रिवर नर्मदा कोल्ड डेजर्ट इंडिया का, वन हॉर्न डायनासोरस, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया, मुंबई पोर्ट, ये सब मैंने देखो हाथ से बना के पूरा आप लोग को दिया है। ये देखो टू कर देता हूं, ये देखो एक ही मैप में आप लोग को दे दिया, तो आप लोग इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो कोल्ड डेजर्ट, नाम भी किया नर्मदा, ये रिवर देखो कैसे बह रही है लिस्ट यहाँ पे,
वन ऑन राइनो आसाम में मिलता है, सिक्किम कहां पे, ये देखो ये स्टेट है, अंगूठा है ना भारत का थम्सअप, वो हाई डेंसिटी जो स्टेट है इंडिया का वो है केरला। तो देखो मार्क करके नीचे दिया है, सब कुछ दे दिया आप लोग को एक ही में। अब रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो 84 मैंने सबका आंसर दे दिया आप लोग को, ठीक है, सबका दे दिया है, सबका दे दिया है। गाइस ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ध्यान रखना आप लोग को, मिक्स क्वेश्चन है ये जो पूरा है, सब क्वेश्चन है मैप पूरा सब मिक्स है, सबका सब मिक्स है। हाँ और वहां वाले मैप को ये वाले मैप से कंपेयर, क्योंकि उसने क्या पूछा है, एयरपोर्ट भी पूछा है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, देखो इसमें क्वेश्चन में गलती क्या किया है, देखो ये सब गलती बता रहा था मैं, एयरपोर्ट इन इंडिया। अब ये रेल रोड को लेके था, रेल रोड है ये, अब इसने एयरपोर्ट कहां से इसने दिखा दिया, देखो यहां पे लिखा भी है मेजर पोर्ट्स और हाईवेज के बारे में, ये तो ये कंफ्यूजन कर दिया थोड़े, बुक ने घाई कर दिया, उन लोगों ने भी बच्चे लोग ने डिमांड कर दिया था, तो उसने घाई कर दिया लाने के चक्कर में। नहीं तो ये किसका मैप है, ये नेशनल हाईवे और पोर्ट्स का, एयरपोर्ट का तो इधर है ना, तो ये एयरपोर्ट सर्विस का, तो यहां से आप लोगों को याद करने को नहीं बोल रहा हूं, तो ये मैप मैंने डाला है, बुक अपने क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है, क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है ये मैप कहां पे, ये आपके 9th चैप्टर में है, 9th चैप्टर में। अब ये पंटानल, थॉर्नी बुशेस, पंपास, ग्रासलैंड, कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, अमापा प्रोविंस कहां पे, मनोज पोर्ट कहां पे, ये भी ये सब का सब देखो मैंने मार्क करके आप लोगों को दिया है, कॉफी प्रोड्यूसिंग जोन देखो दिया है, पंपास जो अपना वो दे दिया है, ग्रासलैंड है ये, देखो पंटानल जहां पे अपना एनाकोंडा मिलता है, काटिंगा, ये काटिंगा जोन हो गया, इधर अपना क्या है फिर इधर, इधर डॉट कोऑर्डिनेटर नहीं बोला, अमापा प्रोविंस यहाँ पे है, कॉफी को मैंने डैश डैश करके रखा, ये सब कॉफी प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे बच्चों लिख देना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, थैंक्स अ लॉट बच्चों सपोर्ट करने के, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ये मैंने एक्स्ट्रा मैप लगा दिया, आप लोग पढ़ लेना इसे, ये सब एक्स्ट्रा मैप लगा के दे दिया आप लोग को, सबका सब देखो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया है सबका सब। अब रीड द फॉलोइंग मैप एंड एनी फोर आंसर करिए, तो सेम ये कहां कहां से इसका आंसर जो है सब दे दिया आप लोग को, तो हिमाचल प्रदेश लिखते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला था गाइस, देखो नदन मोस्ट नॉर्थ मोस्ट बोला है, सबसे नॉर्थ में तो जेएनके ही है, और सबसे ज्यादा जो रहता है एप्पल भी प्रोड्यूस जेएनके ही करता है, तो आप लोग को एचपी हिमाचल प्रदेश मार्क नहीं करने का, ध्यान रखो। अब 0 to 20% अर्बनाइजेशन जहां पे, वैसा कौन सा स्टेट है अपना, तो देखो उसको मार्क करके रखा है हिमाचल प्रदेश, एग्जाम्पल बहुत है इसके, लेकिन मैंने कौन सा लिया आप लोग के लिए हिमाचल, देखो वहां पे लिखा भी बाजू रीजन क्यों किया मैंने, अभी ये आंसर करना है, फिर से आंसर कर दिया ये सब, देखो सबका सब आप लोग के लिए आंसर करके दे दिया है। कॉन्डर क्या है, एक वहां का क्या है बर्ड है ब्राजील का, विक्टोरिया पोर्ट पूछ दिया, देखो अभी ये सब सब जिसने पढ़ा है, सदर मोस्ट स्टेट ये कौन जो प्रोड्यूस करता है, नदर मोस्ट स्टेट ऑफ द ब्राजील विथ लेस पॉपुलेशन, नदर मोस्ट सबसे नदर मोस्ट, तो अभी इसके लिए देखो मैंने तो रोराइमा लिखा है, लेकिन आप लोगों को बुक में अगर होगा तो एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है अपडेट किया कि नहीं सब, ये देखो आंसर लिखा है, क्वेश्चन आंसर करके लिखा है कि ये सब बोर्डो को कैसे आप लोगों को पता करना, तो आप लोग समझ भी जाओगे कि पूछता है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप, तो कौन सा दिखा रहा है, तो आप लोगों को यहां से ना भी पता चले देखो टाइटल इधर लिखा रहता है, इधर से आंसर सीधा उठा के लिख देने का यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब जो क्वेश्चन है कि सबसे ईस्ट वेस्ट हाईवे जो है वो कौन से दो सिटी को, देखो यहाँ पे पोरबंदर है, यहाँ पे सिलचर है, आसाम सिलचर, तो ये सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों को देख के आना पड़ेगा बच्चों, अपन खेलते हैं बता ये किधर वो किधर, तो यही है ये सब 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 एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अब गाइस ये जो ज्योग्राफिकल रीजन वाले ये सब जो क्वेश्चन है ये मैं सेकेंड पार्ट में लूंगा, थोड़ा वीडियो क्या अगर बच्चे आप लोग टेंथ में हो ना, तो मैंने स्लाइड तो बना लिए, लेकिन क्या है एक ही वीडियो में प्रोड्यूस कर दूंगा तो आप लोग को बोर हो जाएगा, तो मैं क्या करने वाला इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा, अभी सिर्फ 30% ही बाकी है, 30-40% बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग ऑल गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से शेयर करना,
सपोर्ट दिखाना आप लोगों को, ताकि मेहनत का फल भी मिले लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, देन टिल देन मैंने हिस्ट्री का बना दिया वन शॉट, ज्योग्राफी का ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स का बना दिया, जाके आप वो भी विजिट कर सकते हो। आप लोग को मैं जो प्ले अभी जो ये आप लोग को व्यू होगा ना जो कार्ड्स होते हैं तो वो उसमें भी डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके देख लेना। और फ्यूचर में जितने भी और सब्जेक्ट्स के आएंगे क्वेश्चन बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट धीरे धीरे रिलीज कर रही है, उतने के मैं लाता जाऊंगा आप लोग को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिए, आप लोगों का वेट करता हूं तब तक मैं, आई एम वेटिंग, ठीक है। जो भी डाउट हो पूछ लीजिए, नो डाउट। चलो फिर बाय, इट्स अ फाइनल बाय।